नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो लीजिए, आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए बिल्कुल आसान तरीके से चटपटा, घर में बिल्कुल रेस्टोरेंट और ठेले के जैसे जो बर्गर मिलता है उसी तरीके से, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कुरकुरा। इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा, कैसे करेंगे, आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी पता चलेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बर्गर बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है आलू। तो आलू को हमने उबाल के इसे अच्छे से मैश कर लिया है, देख सकते हैं, मैश करके इसे अच्छे से, इसमें एक भी गुठलिया नहीं है दोस्तों, इसे मैश करके रख लिया था। तो अब इसमें जाएगा हमारा कुछ मसाला, बहुत ही हल्का बेसिक का मसाला है। तो यहाँ पे लिया है थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर, हल्का सा हल्दी लिया है आधा चम्मच के करीब, थोड़ा सा लिया है गरम मसाला, और तीखापन के लिए हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर, और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, और इसमें जाएगा थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च तीखे के लिए अपना क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिएगा, और हरा धनिया कटा हुआ। तो ये सब चीज़ों को भी हम अच्छे से मिला लेंगे इसमें आलू में, जो कि हमने बारीक बारीक काट लिया है। तो इसे मिलाने के बाद अब इसमें जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें जाएगा एक बड़े चम्मच के करीब, जो बड़ा वाला चम्मच होता है उससे 2 बड़े चम्मच अरारोट पाउडर, और इसे हम अच्छे से हाथों से मिलाएंगे ताकि अच्छे से मिल जाए। अरारोट पाउडर मिलाने से क्या होता है, जो मार्केट वाला होता है बर्गर, जो उसमें टिक्की डालते हैं उसमें, वो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनता है, तो उसकी वजह ये है अरारोट पाउडर। तो इसे देखिए हमने मैश कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे रिफाइंड तेल 2 बड़े चम्मच, और इसे डाल के हमें अच्छे से मिला लेना है हाथों से, ताकि बढ़िया से सारे मसाले मिल जाएं। तो ये देखिए आप हाथों से मिलाएंगे तभी अच्छे से मिल पाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप बढ़िया से मिला लीजिए। तो ये देखिए फाइनली हमारा आलू का मिक्सचर बन गया है। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा लोई लेंगे, जैसे कि टिक्की बनाने के लिए। तो हमने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लिया है ताकि चिपके ना आलू, और इस तरीके से हमें टिक्की बना लेना है, देख सकते हैं। इस तरीके से आप बना बना के रख लीजिए, उसके बाद एक बार में सेकें तो एक जैसे ही अच्छे से पक जाएगा। तो इधर देखिए मैंने वैसे ही, आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा टिक्की बना सकते हैं। तो देख सकते हैं इधर मैंने यहाँ पे बर्गर बड़ा बनाना है तो आप बड़ा टिक्की बनाएं, छोटा बनाना है तो छोटा बनाएं। तो मेरा यहाँ जो हमारा बर्गर के लिए हमने जो ब्रेड लिया है वो थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा ही बना रही हूँ, बड़े साइज का। तो देखिए मैंने यहाँ पे टिक्की को बना लिया है इस तरीके से, और कितना बढ़िया लग रहा है देख सकते हैं, बहुत ही चटपटा बना है मसाला हमारा, आप खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा, बारिश का मौसम भी है दोस्तों। तो देखिए हमारा टिक्की बन के रेडी हो गया है। तो चलिए फटाफट से इसे हमें सेक लेना है। तो यहाँ पे हमने नॉनस्टिक का तवा रखा है, आप लोहे का तवा भी रख सकते हैं, आप बड़ा तवा लेंगे तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी से आएगा। तो यहाँ पे मैंने बड़ा तवा ही लिया है, तो इसमें हमने टिक्की को रख दिया है, और मीडियम ही रखें आप फ्लेम को, ज़्यादा फुल मत करें वरना जल जाएगा और क्रिस्पी नहीं हो पाएगा ठीक से। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा तेल डाल देना है तवे पे, उसके बाद से आपको इस तरीके से सारे टिक्की को रख देना है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे टिक्की को रख के थोड़ा सा और दबा दे रही हूँ हाथों से, ताकि बहुत ही अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक तरफ से क्रिस्पी और लाल हो चुका है, कलर हमारा चेंज हो गया है, देख सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे पलट ले रही हूँ, तो सारे टिक्की को हमें पलट लेना है, पलट के उधर दूसरे साइड भी हमें अच्छे से लाल कर लेना है, क्रिस्पी कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मीडियम आँच को करना है तभी ये अच्छे से क्रिस्पी हो पाएगा दोस्तों। तो ये देखिए ज़्यादा जला भी नहीं है, और अच्छे से उलटते पलटते इसे क्रिस्पी कर लेना है। तो थोड़ा सा हम तेल और डालेंगे इधर, ताकि दूसरे साइड भी अच्छे से लाल हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा तेल हम चम्मच से इस तरीके से डाल देंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। तो चलिए तब तक हमारा टिक्की हो रहा है, तब तक हम इधर ब्रेड को भी निकाल लेते हैं अपना। तो ये देखिए
ये है पाव जो कि बहुत ही बड़ा बड़ा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बड़ा टिक्की बनाया है। तो सारे हम ब्रेड को निकाल के एक साइड में रख लेंगे जितना बनाना है आपको। उसके बाद इसे हमें काटना भी रहेगा, तो इधर देखिए मैं यहाँ पे काटने जा रही हूँ। इस तरीके से आपको बीच से चाकू की मदद से ब्रेड को दो भाग में कर लेना है इस तरीके से, ताकि आप बीच में इसका मसाला और जो टिक्की वगैरह है उसे आप लगा सकें। तो इधर देखिए मैंने यहाँ पे सारे ब्रेड को काट के रख ले रही हूँ, ताकि हमें फटाफट से बना बना के सर्व करने में आसानी रहे। तो इस तरीके से देखिए हमारे सारे ब्रेड मैंने यहाँ पे काट लिया है, ये है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा टिक्की कितना हुआ है। तो ये देखिए हमने उलट पलट के दोनों तरफ से सेक लिया है, और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार, और कलर भी देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया आया है। तो इस तरीके से आपको टिक्की को बना लेना है। तो अब सारे टिक्की तो हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं और लाल भी हो गए हैं अच्छे से, तो इसे हम एक तरफ साइड कर देंगे। हमें हटाना नहीं है, इसी तवे पे ही रहने देना है, जैसे मार्केट वाले ठेले वाले और रेस्टोरेंट होटल वाले करते हैं ना, एक साइड में रख देते हैं, बस उसी तरीके से आपको एक टिक्की को हमें एक साइड में रख देना है। अब इधर एक साइड में हमारा तवा खाली हो गया है, तो इधर डालेंगे थोड़ा सा तेल या घी, बटर, जो भी आप पसंद करते हैं उसे डाल दीजिए। उसके बाद हमें इस तरीके से ब्रेड को सेक लेना है हल्का सा, ताकि ब्रेड का जो फ्लेवर है थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो इस तरीके से हमें सेक लेना है दोनों तरफ से हल्का हल्का तेल लगा के। ये देखिए अब इसे हमें इसका जो बर्गर बनता है अब उसे बनाएंगे। तो उसे बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे हरी चटनी बनाई है, जो धनिया और लहसुन हरी मिर्च का बनता है वो वाली चटनी बनाई है। और यहाँ पे हमने ले लिया है सॉस और कुछ सैलेड। तो देख सकते हैं एक तरफ से हमें हरी वाली चटनी को लगा लेना है और एक तरफ टमाटर सॉस लगा लेना है। ये देखिए तो इस तरीके से आपको दोनों ब्रेड में, दोनों पाव में लगा लेना है हमारा चटनी और सॉस। अब इसमें जाएगा हमारा टिक्की, तो हमने एक टिक्की उठा के इसके ऊपर रख देना है, किसी पे भी एक तरफ से रख देना है। उसके बाद हमें रखना है हमारा जो प्याज, खीरा, टमाटर, आपके पास जो भी सलाद है वो आप लगा सकते हैं इस तरीके से। आप जितना चाहें सलाद को लगा सकते हैं, आप क्वांटिटी के हिसाब से, आप जितना आपको पसंद है। तो मैंने यहाँ पे देखिए खीरा और प्याज टमाटर को सबको लगा दिया है। तो ये देखिए हमने अच्छे से लगा दिया। अब वही प्रोसेस हमें दूसरे वाले में भी करना है। एक तरफ हमें लगाना है चटनी हरी वाली और एक तरफ लगाना है टमाटर सॉस और टिक्की लगा के और सैलेड को लगा लेना है इस तरीके से, आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप बनाइएगा ज़रूर, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार और फट से बन जाने वाला रेसिपी है दोस्तों। और शाम का नाश्ता हो या फिर सुबह का, बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। तो इधर देखिए मैंने यहाँ पे सैलेड और टमाटर प्याज को जो भी है उसे हम लगा दे रहे हैं। उसके बाद टिक्की को लगाएंगे। तो आप इसमें चाहे तो जो चीज़ आता है आप चीज़ भी दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो देखिए इस तरीके से आप लगा दीजिए। अब हमें क्या करना है, इस ब्रेड को थोड़ा सा और सेकना है हल्का सा, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे उसी तवे पे हल्का सा तेल आप लगा सकते हैं या बटर लगा सकते हैं, और इसे अच्छे से सेक लीजिए थोड़ा सा टिक्की वगैरह को रख के प्याज को, तो थोड़ा सा उसका कच्चापन निकल जाएगा, जो प्याज वगैरह हमने डाला है अंदर में थोड़ा सा पक जाएगा। वैसे तो वह कच्चा ही अच्छा ही लगता है, बस हल्का सा ही हमें सेकना है। तो लीजिए हमारा बर्गर बनके रेडी हो गया है। अब ये खाने के लायक पूरा तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करिए चटनी के साथ या सॉस के साथ, आप जैसे भी आपका पसंद हो आप खा सकते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।